हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 25 प्रश्न हमने कर लिए थे, 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो आज मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है, जिससे आप जल्दी जल्दी आंसर कर पाएं, जल्दी जल्दी देख पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, बिहाग को बिहंगड़ा से अलग करने वाले स्वर कौन से हैं? रे शुद्ध, म शुद्ध, नी कोमल या ग शुद्ध? सही आंसर है आपका सी। बिहाग को बिहंगड़ा से अलग करने के लिए कौन सा है? तो दोनों नी का प्रयोग, ठीक है। ये देखिए, बिहाग विलावल ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व संपूर्ण, वादी ग संवादी नी है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है बिहाग में। बिहंगड़ा विलावल ठाट का राग है। जाति इसकी इसकी जाति क्या है? तो साड़व संपूर्ण है। ये साड़व है ना, ये है, ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। जो साड़व संपूर्ण, वादी म संवादी सा, इनमें दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किन स्वरों में नी ध नी सा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है? मियां की सारंग, मियां मल्हार, बाहर सूर मल्हार। सही आंसर है इसका बी, 1 2 3, ठीक है। देखिए, नी ध नी सा स्वरावली का प्रयोग मियां की सारंग, मियां मल्हार, बाहर आदि रागों में होता है, जबकि सुर मल्हार में नी ध म प स्वर की संगति होती है। सुर मल्हार काफी ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व साड़व, वादी म संवादी सा, इनमें से दोनों नी का प्रयोग होता है। गायन समय वर्षा ऋतु है इसका। मियां की सारंग काफी ठाट से, मियां मल्हार काफी ठाट से, बाहर काफी ठाट से है, ठीक है। देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अनुप संगीत रत्नाकर, स्वर मेल कलानिधि, राग तत्व विबोध या बृहदेशी। सही आंसर इसका बी। देखिए, सबसे पहले तो बृहदेशी आया है, आप सभी को पता है, 8वीं शताब्दी में। स्वरमेल कलानिधि आया उसके बाद 1550 ईस्वी में। फिर अनूप संगीत रत्नाकर भाव भट्ट द्वारा 16वीं शताब्दी में, और राग तत्व विभूत 18वीं शताब्दी में श्रीनिवास कृत द्वारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मध्यम ग्रामिक पंचम है षष्ठ श्रुतिक, त्रिश्रुतिक, पंचश्रुतिक या चतुश्रुतिक। सही आंसर है बी, त्रिश्रुतिक, ठीक है। मध्यम ग्रामी पंचम श्रुतिक होता है। मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर आ जाता है तथा धैवत 1 श्रुति बट जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन स्वरों को रा री तथा रू की संज्ञा दी गई? शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुति ऋषभ तथा चतुश्रुति ऋषभ। फिर बी है द्विश्रुति ऋषभ, शुद्ध ऋषभ तथा चतुश्रुति ऋषभ। सी है त्रिश्रुति ऋषभ, चतुश्रुति ऋषभ, पंचश्रुति ऋषभ। डी है शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुति ऋषभ तथा षट श्रुति ऋषभ। सही आंसर है इसका डी, रा री रू की संज्ञा शुद्ध
ऋषभ पंचश्रुति ऋषभ तथा षठ श्रुति ऋषभ को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31, संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों द्वारा टीका लिखी गई है? कल्लीनाथ, केशव, सिंह भूपाल, अभिनव गुप्त। तो सही आंसर है ए, कल्लीनाथ केशव सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखा है, जबकि अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा है। सिंह भूपाल ने संगीत सुधा नामक ग्रंथ 14वीं शताब्दी में टीका किया था। कल्लीनाथ ने 15वीं शताब्दी पर टीका कलानिधि के नाम से किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो धनी कोमल का धनी, फिर रे कोमल ग म ध स्वरावली से किस अन्य राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? हंसध्वनि, भूपाली, यमन या वृंदावनी सारंग। तो सही आंसर है इसका डी, वृंदावनी सारंग। राग मारवा के मंद्र ध को सा माने तो धनी रे ग म ध स्वरावली वृंदावनी सारंग के स्वर की प्राप्ति होगी। वृंदावनी सारंग काफी ठाटका राग है, जाति औड़व औड़व है, वादी रे संवादी प इनमें दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। न्यास के स्वर रे प सा गायन समय मध्यांतः संप्रति राग सूल मल्हार और यमन कल्याण ठाटका राग है, भूपाली कल्याण ठाटका राग है और हंसध्वनि विलावल ठाटका राग है। आगे चलते हैं, राग विज्ञान के लेखक कौन है? ओमकारनाथ, विनायक राव, ललित किशोर, विमल कांत। सही आंसर है इसका बी, विनायक राव। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये याद रखना। राग विज्ञान ग्रंथ के लेखक विनायक राव पटवर्धन जी हैं। भारतीय संगीत कोश विमल कांत राय चौधरी संगीतांजलि ओमकारनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है। ये सुमृत करना है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए कैसे, खमाज क्या हो जाएगा? हरी काम भोजी। ये किस तरीके से दिया गया है? एक तरफ आपका दिया गया है ये दक्षिणी ठाट है, ये चारों है ना, ये दक्षिणी ठाट है। ओके, तो आपका खमाज हो जाएगा क्या? हरी काम भोजी। दो मिनट, फिर आपका भैरव है, तो भैरव क्या हो जाएगा आपका? माया, मालव, गौड़। और उसके बाद काफी है आपका, काफी आपका हो जाएगा खरहर पिया। आशावरी हो जाएगा आपका नट भैरवी। ठीक है, तो ये होगा इसका। यहाँ पे वही दे रखा है कि खमाज हरी काम भोजी है, भैरव माया, मालव, गौड़, काफी खरहर पिया, आशावरी नट भैरवी, कल्याण कल्याणी, बेलावली शंकराभरण, पूर्वी कामवर्धनी, मारवा, गमन प्रिया, तोड़ी को शुभ पंतुवराली कहते हैं, सबके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आपको सुमिलित करना है, देख लीजिए अच्छे से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, ए चार से मिलेगा।
B3 से, राग दर्पण आपका मिल गया फकीरुल्लाह से, नगमाते आसफी हो जाएंगे मोहम्मद रज्जा, और उसके बाद आ जाएगा सी का दो हो जाएगा रस कौमुदी श्रीकंठ, राग माला हो जाएगा पुंडरिक विठल। ठीक है, यही दे रखा है नीचे, देख लीजिए। संगीत ग्रंथ राग दर्पण फकीरुल्लाह नगमाते आसफी मोहम्मद रजा रस कौमुदी श्रीकंठ राग माला पुंडरिक विठल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, मागधी शब्द किसके प्रकार है, आलाप ख्याल प्रबंध या गीति। तो डी होगा इसका, गीति का प्रकार है ये। अब यहाँ पे पूरा नाम है, देखो मागधी गीति के प्रकार है। भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार अर्धकाल निर्वृता च विज्ञा या गुरुवक्षरज सिन्वित, ये संस्कृत है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्षमा करना मुझे। मांदी में लगने वाले समय के आधे भाग का गान पूर्ण हो जाए तो वह गीति अर्धमागधी समझी जाती है। भरत ने गीतियां चार प्रकार की मानी है, मागधी अर्धमागधी संभाविता प्रथुला। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 37, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। चिन्ह आप देख सकते हैं नीचे, सही आंसर होगा इसका डी। ठीक है, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए एक और खाली के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग करते हैं, शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं, रे ग ध है जैसे, तो वैसे कोमल स्वर के लिए नीचे ऐसे लगा देंगे, तीव्र स्वर के लिए म ऐसे, तार्श के लिए सा ग म ग म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है, ठाट राग रागांग पूर्वांग उत्तरांग शुद्ध छायालंग सकेण। सही आंसर है डी, शुद्ध छायालंग सकेण। संगीत दर्पण ग्रंथ पंडित दामोदर कृत द्वारा लिखा गया है, यह ग्रंथ 1625 ईस्वी में लिखा गया है। इस ग्रंथ में रागों के तीन भेद शुद्ध छायालंग सकीर्ण के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में राग अध्याय का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है। भातखंडे के 20 मील, व्यकट मखी के 72 मील, लोचन के 12, संस्थान श्रीकंड के 9 मील। सही आंसर है इसका बी, भातखंडे ने 10 ठाटों को व्यकट मखी के 72 मील से चुने हैं। दक्षिणी भारत के महान संगीतज्ञ पंडित व्यकटमुखी ने सप्तक के 72 मील बनाए। व्यकटमुखी ने सप्तक के 12 स्वरों को दो भागों में बांटा, इसी प्रकार से भातखंडे जी ने 11 ठाट को माना है। तो ये आपका 39 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते। चित्रकला मूर्तिकला संगीत में क्या पाया जाता है, ए रूप रेखा विषय वस्तु, बी तान मध्यम स्वर रूप रेखा, डी हो जाएगा आपका मीट या विषय वस्तु। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सबसे पहले मैं वही करवा रहा हूं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका ए होगा रूपरेखा और विषय वस्तु। कैसे ये देखते हैं, चित्रकला में भावों को रंगों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इसमें मानसिकता का प्रयोग किया जाता है।
इसको बनाने के लिए रूपरेखा तैयार किया जाता है। मूर्तिकला, इस कला में विषय वस्तु की तैयारी की जाती है। इसमें कलाकार मूर्ति बनाकर अपने भाव अभिव्यक्त करता है। पत्थर, धातु आदि को काटकर सजीव या निर्जीव पदार्थों के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं क्षेत्र काकु, राग काकु, यंत्र काकु या स्वर काकु। सही आंसर होगा इसका सी, यंत्र काकु। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जरूर कर लें अच्छे से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि यंत्र काकु कहलाती है। क्या होती है, जो संगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि है वो क्या कहलाएगी, यंत्र काकु कहलाएगी। ठीक है, यंत्र काकु का संबंध वाद्य से है। यंत्र काकु से अभिप्राय प्रत्येक वाद्य विशिष्ट ध्वनि से है, जैसे वीणा, सितार, बांसुरी आदि की ध्वनि भिन्न होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं स्थाई स्वर, दुगुण स्वर, दुर्यध स्वर या अर्ध स्थित स्वर। सही आंसर होगा इसका डी, अर्ध स्थित स्वर। कैसे, तीसरे स्वर स्थान में आलाप अर्ध स्थित स्वर को प्रस्तुत करते हैं। आलाप दो प्रकार के होते हैं, अकारदि का आलाप, नोम तोम का आलाप। ये याद रखना, आलाप यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आलाप कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, आलाप कितने प्रकार के, लेकिन ये कभी आएगा तो ये टीजीटी में बन के आएगा, पीजीटी में बन के आएगा, कभी भी बन के आएगा, तो ये याद रखना ये दो इसके प्रकार होते हैं। नेट में भी आने की संभावना है, नेट में थोड़ा सा डीप पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई, ठुमरी, तराना, ध्रुपद, टप्पा। एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि जो नेट है और जेआरएफ है, इसमें नेट को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैं पहले बता देता हूँ। नेट को पास करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, हाँ, लेकिन आपको अगर जेआरएफ लानी है, जेआरएफ करनी है आपको, हाँ, तो इसको करने के लिए आपका फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। फर्स्ट पेपर को भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप जेआरएफ ला पाओगे। तो इसलिए आप जो भी हो, अगर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो 31 से ऊपर हो गए हैं, इस बार तो 31 तक है, तो जिस लोग 31 ईयर से ऊपर ज्यादा है तो वो तो नेट ही करेंगे सिर्फ, जो कम है उनकी अभी एज तो वो आराम से जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें और फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करें। मैं बीच बीच में चीजें बताता रहता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में आती हैं जब, तो मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ठुमरी। वाजिद अली शाह के दरबार में किस गायन विधा को लोकप्रियता मिली, तो ठुमरी। वाजिद अली शाह को ठुमरी गान विधा में लोकप्रियता प्राप्त की है। वाजिद अली शाह 1822 से 1877। वाजिद अली शाह को अख्तरपिया उपनाम से अनेक संगीत रचनाएं की थी। अख्तरपिया के नाम से इन्होंने उपनाम से, अख्तरपिया इनका उपनाम था, इसी के नाम से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। बाबुल मोरा नैहत छूटो, छूट दी जाए, ठुमरी वाजिद अली शाह की अत्यंत लोकप्रिय है। ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बाबुल मोरा नैहत छूटो जाए, ये बहुत ज्यादा है लोकप्रिय है, वाजिद अली शाह ने रचित है। क्वेश्चन नंबर 44। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है, 21, 19, 17, 26। संगीत रत्नाकर की बात हो रही है, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख है, तो बी है 19 स्वर है। ठीक है, देखिए संगीत रत्नाकर सारंग देव द्वारा लिखित है और 7 शुद्ध और 12 विकृत माने हैं इन्होंने। 7 शुद्ध मान लिए हैं इन्होंने, ठीक है,
और 12 विकृत माने हैं। आपको विकृत याद रखोगे ज्यादातर तो आपको सबका याद रहेगा, तो ये ज्यादातर लोगों ने 7 शुद्ध माने हैं, सभी ने शुद्ध 7 ही माने हैं, बहुत कम लोगों ने एक आध होंगे जिन्होंने माने हो। आपको विकृत याद रखोगे तो आपको सारा याद रहेगा, कि उसमें 7 ऐड कर दोगे तो आपका टोटल निकल जाएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय होते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्त अध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में टीकाएं सिंह भूपाल ने 14वीं शताब्दी और कलीनाथ 15वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ में 121 तालों का परिचय दिया गया है, ठीक है, और 121 तालों का परिचय है इसमें, ये भी आप ध्यान रखना। कितने तालों का परिचय? तो 121 तालों का परिचय है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। द्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है? आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति, ओमकारनाथ ठाकुर, ठाकुर जयदेव सिंह, मान सिंह तोमर। आंसर इसका है ए, द्रुपद और उसका विकास आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति द्वारा लिखा गया है। संगीतांजलि प्रणव भारती ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद ठाकुर जयदेव सिंह द्वारा और मान कुतूहल मान सिंह तोमर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो संगीत सारा मृत, संगीत समय सार, राग तत्व विबोध, राग तरंगिनी। तो सही आंसर है इसका सी, राग तत्व विबोध। श्रीनिवास राग तत्व विबोध उनका ग्रंथ है। 18वीं शताब्दी में से लिखा गया था श्रीनिवास के द्वारा। और संगीत सारा मृत 1783 ईस्वी में राजा तुलजेंद्र द्वारा, संगीत समय सार 13वीं शताब्दी में पार्श्वदेव द्वारा लिखा गया, और राग तरंगिनी 15वीं शताब्दी में लोचन के द्वारा लिखा गया है। अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा स्पीड में करवा रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं उसको धीरे धीरे भी फिर मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा। निम्नलिखित में से किन स्वरों गुणों का होना वर्गीकार में आवश्यक है? मातु और धातु, टप्पा और नित्य, लोक संगीत और ठुमरी, और लय और ताल। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे, थ्योरी में वो आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे लेकिन एमसीक्यू में आ जाएगा। ऐसे भी प्रश्न होते हैं। ये बात तो सच है कि थ्योरी से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, इसलिए मैं ऐसे व्याख्यात्मक हल करवा रहा हूँ। इसमें थ्योरी, एमसीक्यू और क्वेश्चन पेपर, ये तीनों चीजें ही हो रही है क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। सही आंसर है ए। वर्गीकार में मातु और धातु के गुणों का होना आवश्यक है। प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना दोनों में प्रवीण होता था वर्गीकार कहलाता है। वाक अर्थात पद और गय अर्थात संगीत, इन दोनों का ज्ञाता वर्गीकार कहलाता था। इन्हें कुछ विद्वान क्रम से मातु और धातु कहते हैं। संगीत रत्नाकर में उत्तम वर्गीकार के 28 गुण बतलाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कव्वाली गान विधा का अवतरण किसने किया? खुसरो खां, मोहम्मद शाह रंगीले, अमीर खुसरो या गोपाल नायक। सही आंसर है इसका सी, अमीर खुसरो। कव्वाली गान विधा अमीर खुसरो से संबंधित है। खुसरो जी का जन्म 1253 से 1324 तक, मतलब कि 1253 में इनका जन्म हुआ है, 1324 में इनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, उत्तर भारत के इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और अमीर खुसरो को ख्याल के जन्मदाता के साथ साथ कव्वाली की आविष्कार भी माना जाता है, आविष्कारक भी माना जाता है ना, आविष्कार भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आविष्कारक भी माना जाता है। इसके द्वारा निर्मित राग साजगिरी, उशाक, शर्पदा आदि है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है?
परिशिष्ट संदर्भ ग्रंथ सूची रूपरेखा पाद टिप्पणी। तो सही आंसर है उसका इसका सी। शोध कार्य शुरू करने से पहले रूपरेखा तैयार किया जाता है, शोध का विषय को तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। सुशीरवाद कौन सा है, नगाड़ा, झाज, कामाईचा या नफीरी? इसका जो सही आंसर है वो है डी, नफीरी। सुशीरवाद है ये, सुशीरवाद नफीरी को कहते हैं, नगाड़ा अवनदवाद है, कामाईचा तत्वाद से है, झांझ घनवाद के अंतर्गत आता है। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चारों से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। तो ये था आज के हमारे 25 प्रश्न और 50 प्रश्न हो गए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का जो नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम है, ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी का हेल्प हो रही है तो आप एक चीज जरूर करें, वो है शेयर जरूर करें, ईमानदारी से आप शेयर जरूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।